आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। आज महावीर जयंती है। यह चैत्र मास के त्रयोदशी को मनाई जाती है। यह जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वे बड़े आनंद पूर्वक भगवान की पूजा आराधना भजन कीर्तन सत्संग करते हैं और बड़ी सुंदर भगवान जी की शुभ यात्रा शोभा यात्रा निकालते हैं। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और लोगों को शामिल भी होना चाहिए। हम सब थोड़ा सा आज भगवान महावीर के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी का जीवन कैसा था, उसका थोड़ा बहुत चरित्र, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन बिहार प्रांत के वैशाली जिले के अंतर्गत क्षत्रिकुंड नामक नगर में हुआ था महावीर जी का जन्म। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के नाम वर्तमान में महावीर सनमति श्रवण आदि थे। महावीर स्वामी बचपन से ही बहुत ही साहसी थे और सबको बड़ा प्रेम करते थे। उनके जन्म के बाद उनके घर में, उनके राज्य में धन संपदा की वृद्धि हुई, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया वर्धमान। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उनके पिताजी ने उनका यशोदा नाम की एक बड़ी सुशील कन्या से कर दिया। उनसे उनको एक प्रियदर्शनी नाम की पुत्री प्राप्त हुई। फिर बाद में माता पिता की मृत्यु के बाद में उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 2 वर्ष के बाद ही, यानी पिताजी माताजी के स्वर्गवास होने के 2 वर्ष बाद, उन्होंने
30 वर्ष की आयु में वैराग्य ले लिया। फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने सच्चा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। फिर उस समय के बड़े बड़े जो राजा थे, महाराजा थे, वे सब महावीर स्वामी के अनुयायी हो गए। यानी कि उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया और उसको ही सब मानने लगे। उनमें से बिंबसार भी थे, एक राजा जो थे उनका नाम था बिंबसार। फिर 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश लोगों को दिया कि अहिंसा सर्वधर्म, अहिंसा नहीं करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम करना चाहिए। त्याग का मतलब यह है कि दूसरों के लिए आदमी को अगर अपना कुछ देना पड़े तो दे देना चाहिए, ऐसा उन्होंने उपदेश किया, उपदेश दिया। और उन्होंने ये सब जैन धर्म की स्थापना की और जैन धर्म को फैलाया। वे जैनियों के 24वें तीर्थंकर बने और विश्व के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं में उनकी गणना होती है, महावीर स्वामी की। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य आदि राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया। उनके आदेश पर, उनसे प्रभावित होकर के उस समय इस पृथ्वी पर चंद्रगुप्त आदि राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने ये धर्म, जैन धर्म अपना लिया। इस प्रकार चैत्र त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में यह दिन मनाया जाने लगा और उस दिन सभी लोग भगवान महावीर की पूजा की जाती है, जगह जगह शोभा यात्रा निकलती है और सब लोग बड़े आनंदित होते हैं। सब भगवान की प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, अहिंसा हो, त्याग की भावना हो लोगों में। इस प्रकार से आज हम महावीर स्वामी का थोड़ा सा चरित्र गा रहे हैं और महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर हम सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बोल श्री महावीर जी महाराज की जय। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ हरि, आ जाओ हरि, आ जाओ हरि, आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जोगी का भेष बना करके इस तन पर भस्म रमा करके, मैं तो अलख जलाऊं द्वार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार,
हरी आ जाओ एक बार। घन श्याम मुरारी मधुसूदन, आओ मेरे प्यारे मोहन, तेरे भक्त जन करें पुकार, हरी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरी आ जाओ एक बार। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, अमृत छोड़ा और जहर पिए, मेरे प्राणों के आधार, हरी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, महावीर आ जाओ एक बार, महावीर आ जाओ एक बार, महावीर आ जाओ, प्रभु आ जा, ओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जा, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। वो श्री महावीर स्वामी की जय।